दोस्तों, राधे राधे। तो आज हम समोसा की रेसिपी लेकर आए हैं। बहुत ही झटपट में बनाकर दिखाऊंगी समोसा की रेसिपी, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए और वीडियो के स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों के लिए बनाती हूँ, तो आप लोग पूरा वॉच कीजिए वीडियो। यहाँ पे हम आलू का स्टफिंग पहले से ही तैयार करके रख लिए हैं और इधर मैदा है, मैदा में थोड़ा सा रिफाइन ऐड किए हैं, उसके बाद जमाइन ऐड किए हैं, नमक ऐड किए हैं और काला वाला जो मंगरेल होता है ना वो ऐड किए हैं। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और बहुत ही झटपट में बनाकर मैं दिखा रही हूँ, वीडियो में आप लोग बने रहिए। आटा को मुट्ठी में बांधे हैं तो ये बंध जाता है, इसका मतलब है कि हमारा जो समोसा बनने वाला है ये बहुत ही खस्तेदार समोसा बनकर तैयार होगा। तो इसमें हम थोड़ी थोड़ी पानी ऐड करके अच्छे से आटा को गूंथ लेते हैं, गूंथ कर इसे तैयार कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। इसे हम बेल कर तैयार कर लेते हैं, बस सिंपल सा रोटी के जैसा बेलना है। समोसा का सांचा भी आता है तो आप इसमें भी बना सकते हैं, लेकिन ये तो हमें बहुत ही बेकार लगा, ये उतना अच्छा सा इसका डिजाइन नहीं बन पाया, तो मैं बस दिखा रही हूँ आप लोगों को, हम हाथ से ही बनाकर इसे दिखाएंगे। उतनी अच्छी शेप तो नहीं आया है, फिर भी ठीक ही है, देख सकते हैं, लेकिन हम हाथ से ही बनाकर आप लोगों को दिखाएंगे। रोटी के शेप में इसे हम बेल लिए हैं और बीच से कट कर लिए हैं। अब इसमें थोड़ी सी पानी लगाकर इसे समोसा का शेप दे देंगे, तो आप देखते रहिए, देखिए किस टाइप से हम इसे फोल्ड कर रहे हैं। अब इसमें हम आलू भर लिए हैं और इसमें थोड़ी सी पानी लगाकर इसे अच्छे से हम पैक कर लेंगे।
इस तरह से सारे समोसा बनाकर हम तैयार कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा डिजाइन बनकर तैयार हुआ है समोसा का। चलिए तो चलते हैं गैस की ओर। समोसा तैयार हो चुका है, यहाँ पे तेल भी गर्म हो चुका है और हम समोसा ऐड कर लिए हैं। धीरे धीरे सारा ऐड कर लेंगे। समोसा को हम पलट लेते हैं, तो अभी हम थोड़ा सा ही बनाकर आप लोगों को दिखाएंगे और तो हम रख लेते हैं, शाम के टाइम में बनाएंगे। देख सकते हैं समोसा कितना अच्छा बना हुआ है, तो खाने में भी बहुत टेस्टी था। लग ही नहीं रहा था कि ये घर का बना हुआ समोसा है, तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। समोसा बनकर तैयार है, आप लोग इंजॉय कीजिए। मिलती हूँ अगले न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।